हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत ही जस्ट स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में ईशा नमक किचन विद चावल जी। छोटा ही साथ ही इस वीडियो में मैं आपके साथ ढाबा शेयर करना दाल फ्राई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बढ़िया बनती है। अगर आपका मेरी वीडियो पसंद आई है वीडियो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और जब मेरे चैनल पर ज्यादा पहली बार वीडियो देख रही हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ऐसा आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहेगी। चलिए जाए वीडियो तो स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कटोरी चना डाल ली है, उसे अच्छे से वॉश कर लेंगे और हम भी चौचा रस लेंगे साफ पानी में। बाउल में हम भी चौचा रस लेंगे, ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाकर हमने आधे घंटे के लिए भी चौचा रखनी है। जैसे आधे घंटे बाद हमारी दाल भी चौचा तैयार है। अब हम चूचा रस लेंगे गैस पर और दाल तो हम चूचा में डाल लेंगे। इसी तरह पूरी दाल हमने डाल लेनी है चूचर में। जैसे दाल से एक इंच पानी ऊपर ही है, इतना पानी बहुत है दाल के लिए। बहुत ही बढ़िया बने रही है दाल। अब हम इसे नमक डालेंगे आधा चम्मच। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे आधा चम्मच। अब इसमें एक चम्मच हम तेल डालेंगे, आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम चूचर बंद करेंगे और दो सीटी लगाएंगे हाई फ्लेम पर। अगर आपने दाल भी चौचर नहीं रखी है तो चार सीटी लगा लीजिए। मैंने दो ही सीटी लगाई है क्योंकि मैंने दाल पहले भी चौचर रखी थी। अब हम चूचर ओपन करेंगे ढक्कन उतार कर। अब हम एक बार देख लेंगे दाल तो देख लेंगे जैसे अच्छे से फिस रही है दाल। अब हम इसे नीचे उतार लेंगे। अब हम कढ़ाई रखेंगे गैस पर, उसमें सरसों तेल डालेंगे, गर्म होने के लिए रख लेंगे। जब गर्म हो जाएगा फिर हम आधा चम्मच जीरा डालेंगे, तेज पत्ता डालेंगे, आधा चम्मच डालेंगे हींग, इसे चटकने के लिए रख लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हम चटकने के लिए रख लेंगे। जब अच्छी तरह से चटक जाएंगे फिर हम इसमें लहसुन, हरी मिर्च और अदरक डालेंगे जो हमने बारीक बारीक काटा हुआ है। रख लेंगे मीडियम फ्लेम पर। अब हम प्याज डालेंगे भुनने के बाद। जो प्याज लिए हैं इसे बारीक बारीक काट लेना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम भुनेंगे प्याज तो अच्छी तरह से। मैंने नीचे टमाटर लिया, उसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम टमाटर डालेंगे, जैसे प्याज जब भुने जाएंगे अच्छी तरह से, फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है टमाटर को। भुनने चले अब हम रस लेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे, नमक अपने स्वाद अनुसार डालिएगा और थोड़ा डालिएगा क्योंकि पहले भी हमने डाला है दाल में नमक। अब हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, हल्दी पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, रेड चिली पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, थोड़ा चम डालेंगे। इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए तड़के में। जब तक तड़का तेल अलग नहीं चढ़ देता अपनी जैसा, अब हम भुनेंगे तड़के तो वीडियो में हम चटर चढ़ते रहेंगे। जैसे चढ़ते तेल अलग चढ़ दिया हुआ है, अब हम इसमें दाल डालेंगे।
लड़के ने तेल अलग कर दिया हुआ है। दाल डालने साथ इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। पूरी दाल हमने डाल लेनी है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे दाल। गाढ़ी होने के लिए रख लेंगे दाल को 5-6 मिनट के लिए। अब हम रखेंगे फ्लेम से। अब हम ढक लेंगे 5-6 मिनट के लिए। अब हम रख लेंगे दाल को मीडियम फ्लेम पर। 5-6 मिनट बाद हम प्लेट उतार कर देख लेंगे। स्टर कर लेंगे जैसे दाल गाढ़ी हो रही हुई है। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। अब छोरी मिर्ची पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। हम इसमें सब्जी वाला मसाला डालेंगे 1 चम्मच। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना दाल में। अब हम ढाबा स्टाइल दाल बनाने के लिए इसके ऊपर अब हम तड़का लगाएंगे। मैंने जी पहले ही जड़ा में होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें जीरा डालेंगे 1/2 चम्मच और 2 हरी मिर्च डाल लेंगे। हम इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच। चटकने के लिए रख लेंगे। ये चटचट ढाबा स्टाइल जैसा हो रहा इसलिए ये चटचट ले जा रहे हैं दाल में। चटचट ढाबा स्टाइल जैसे बनी दाल। अब हम इसे दाल में डाल लेंगे चटचट तो थोड़ी ही दाल डालेंगे उसी पैन में। वो मिक्स कर लेंगे। जैसे अच्छी तरह से मिक्स हो रही हुई है अब हम गैस ऑफ कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया बनी है दाल। अब हम इसे बाउल में निकाल कर सर्व कर लेंगे। आप इसे चपाती या परौंठी से खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बनी है। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही है। दाल का कलर वैसे बहुत ही बढ़िया आया है। एकदम ढब्बा स्टाइल जैसे बनी है और बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है इसे बनाने की। सो इस रेसिपी से हर दाल बनाइएगा खाइएगा। मैं तुम्हें जरूर बताइएगा कि कैसी बनी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका इसे बनाने का। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।